शर्त लगा लो, दबी हुई नस, साइटिका, स्लीप डिस्क पेन होगा 100% ठीक। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द होना कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर ये समस्या 50 से 55 साल की उम्र के बाद ही सुनने को मिलती थी, लेकिन अब 40 से 45 वर्ष के लोग भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, बच्चों में भी ये परेशानी आ चुकी है। एक रिसर्च के अनुसार ये समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। एक उम्र के बाद जोड़ों से चिकनाई खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जोड़ों की जो हड्डियां हैं वो आपस में टकराने लगती हैं और फिर ये दर्द का कारण बनती है। इस समस्या से बचने के लिए लोग तमाम तरह के एलोपैथी उपचार अपनाते हैं, लेकिन आज भी इस समस्या के लिए दोस्तों प्राकृतिक उपचार को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एलोपैथी से आपको थोड़ा आराम तो मिल जाता है, लेकिन यदि आप प्राकृतिक उपचार अपनाते हैं तो इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा इलाज लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते ही दोस्तों आपके जोड़ों का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। यानी आपको कहीं पर भी दबी नस है, दबी नस के कारण दर्द होता है, या फिर साइटिका का पेन है, या स्लीप डिस्क पेन है, तो इस उपाय से आप उन सभी दर्दों को सही कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप हार श्रृंगार का प्रयोग करें। हार श्रृंगार के पत्ते को दोस्तों पारिजात और नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग तो इसे रात की रानी का फूल भी कहते हैं, क्योंकि ये रात को खिलता है और सुबह होते ही झड़ जाते हैं सारे फ्लावर इससे। दोस्तों, इस बात को जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि हार श्रृंगार के जो फूल हैं, पत्ते, टहनियाँ और इसकी छाल भी काफी फायदेमंद होती है। आयुर्वेद में इसे औषधि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। खासकर इसके पत्ते जोड़ों के दर्द को दूर करने में काफी कारगर साबित हुए हैं। यानी आपको यदि जोड़ों का दर्द है, आपको स्लीप डिस्क पेन है, साइटिका का पेन है, या कहीं पर नस आपकी दबी हुई है, तब आपने इस पौधे का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आयुर्वेदिक चिकित्सक का कहना है कि हर श्रृंगार के पत्तों में कई द्रव्य औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए अगर इसका काढ़ा बनाकर आप इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 30 साल पुराना गठिया का दर्द है, जोड़ों में सूजन है, साइटिका पेन है, या कहीं पर आपकी नस दब गई है, या स्लीप डिस्क पेन है, तो वो 100% दर्द से ठीक हो जाता है, जड़ से खत्म भी हो जाएगा आपका ये रोग। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये बंद नसों को भी खोल देता है और साइटिका के दर्द में ये काफी आपको राहत भी दिलाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने के लिए, साइटिका के पेन को दूर करने के लिए, स्लीप डिस्क का पेन दूर करने के लिए आपने हार श्रृंगार के पत्तों का इस्तेमाल किस तरह से करना है और किस तरह से आपको फायदा देगा। दोस्तों, पहला आप इस्तेमाल कर सकते हैं काढ़ा बनाकर। ज्यादातर लोग जोड़ों के दर्द के लिए हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा बनाते हैं। इसके लिए हार श्रृंगार के करीब 21 से 25 पत्ते ले लें और 2 गिलास पानी में 2 से 3 काली मिर्च डालकर उबाल लें। जब पानी जल कर एक छोटे कप जितना बच जाए तो उसे छान कर आपने चाय की तरह पीना है। इससे दोस्तों आपको काफी फायदा मिलेगा। ये पीने में तो कड़वा लगेगा, लेकिन आपको काफी फायदा करेगा। दूसरा इस्तेमाल आप कर सकते हैं पाउडर बनाकर। आप हर श्रृंगार के पत्तों का पाउडर बना लें और इसका सेवन करें बाकी की तरह। जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए हर श्रृंगार के पत्तों को धूप में सुखा लें और उसमें मिश्री डालकर रख लें और हर रोज खाली पेट इसका सेवन करें। ये जोड़ों के दर्द से तो छुटकारा दिलाएगा ही, साथ ही आपकी शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाएगा और बंद नसों को भी खोल देगा। तीसरा इस्तेमाल आप कर सकते हैं पैक बनाकर। हार श्रृंगार के पत्तों और इसके फूलों को पीसकर आपने एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है, यानी पैक बना लेना है। इसे अपने जोड़ों पर लगाएं, यानी आपको जहां पर भी दर्द है, या आपकी जहां पर नस दब गई है, या साइटिका का पेन है, स्लीप डिस्क पेन है, वहां पर आपने इसको बांधना है। लगाकर बांधे इस पेस्ट को और आपको दोस्तों कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपकी जो ये सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों,
इस तरह से आपने हारशिंगार का सेवन करना है, इसका प्रयोग करना है और अपने लिए फायदा उठाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।